Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. आप सबको इस सत्यालोजी के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है. सत्यालोजी अर्थात सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है माइथोलॉजी. उसका अर्थ होता है झूठ, नकली, काल्पनिक, उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान. और 1700 से ज्यादा वीडियोस प्रोड्यूस करने के बाद अब धीरे धीरे सत्यालोजी शब्द का प्रयोग भी शुरू हो चुका है और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसको यूज करें. मिथोलॉजी शब्द को कूड़े में फेंक दें. वो शब्द बना है वास्प के लिए, वेस्टर्न एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, जिसको पश्चिम देश भी बोलते हैं. पश्चिम मानसिकता है, पश्चिम दिशा नहीं है. जैसे हमारे वेदों में, पुराणों में पश्चिम जो होती है पूर्व के विपरीत होती है. वास्तुकला में जब आप सूर्य की तरफ देखते हैं, जब आपकी नाक सूर्य की तरफ होती है और तो आपकी जो पीठ है वो पश्चिम में होती है, पृष्ठ. फिर दाएं हाथ होता है बायन और दाइन, तो दक्षिण. ये दिशाओं के नाम है और देवियों के भी नाम है. उस पर मैं अलग से कभी बात करूंगा, नहीं तो वो एक अलग डायरेक्शन है. तो कभी मुझे याद दिलाएगा तो मैं उसे शो करूंगा कि ये नाम कैसे पड़े हैं, पूर्व का अर्थ क्या होता है, पश्चिम का अर्थ क्या होता है, दक्षिण का क्या होता है और उत्तर का क्या होता है. तो ये जो पश्चिम जो है सिर्फ दिशा का नाम नहीं है, पश्चिम एक मानसिकता है. इसीलिए ऑस्ट्रेलिया जो कॉलोनी है उसको भी पश्चिम देश बुलाया जाता है. चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूं कैसे होता है. जैसे अमेरिका को आप देखते हैं तो अमेरिका के जो 80% जो फाउंडर है, अमेरिका अंग्रेजों ने उन्होंने ढूंढा है. यूएसए वॉज फाउंडेड, कैनेडा वॉज फाउंडेड. अमेरिका का पुराना नाम है क्रौंच द्वीप. वेदों में क्रौंच द्वीप को किसी ने बनाया नहीं है, वो पहले से है. यहां पे रहने वाले लोग भी पहले से हैं. जो अमेरिका के मूल निवासी हैं जिनको बोलते हैं हम रेड इंडियंस, कभी कभी बोलते हैं अमेरिकन इंडियंस, कभी कभी बोलते हैं इंडियंस, कभी कभी बोलते हैं नेटिव अमेरिकन्स, ये यहीं पे रहते थे पहले से. कुछ लोग बोलते हैं 70,000 साल पहले आए हैं, 1,00,000 साल पहले आए. यस, वो माइग्रेशन हुआ होगा. माइग्रेशन पृथ्वी पे होता रहता है. परशुराम की वजह से माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे निम्न कोटि क्षत्रिय पूर्वी दिशा में भागे, उच्च कोटि क्षत्रिय पश्चिमी दिशा में भागे. तो वो भारत से भागे ही है और भारतवर्ष का माप भी कुछ और ही है. और एक मैं मोदी जी का इंटरव्यू देख रहा था, बता रहे थे कि 1300 भारत के द्वीप हैं, जिसमें से बहुत सारे द्वीप तो सिंगापुर से भी बड़े हैं, 1300 द्वीप. तो ये तो बहुत पहले से चल रहा है. और इस तरह का जो डेटा है वो आपको पता होना चाहिए कौन से द्वीप है. उसमें हम अलग कभी शो करेंगे दिखाने के लिए कैसे होता है. लेकिन ये सब टॉपिक्स मुझे याद दिलाते रहिएगा, मैं लिखता भी रहूंगा. मैं यहाँ पे डायरी पे रिकॉर्ड भी हो रहा है शो, तो आई विल आल्सो रिमेम्बर इट. तो ये पश्चिम मानसिकता कैसे चलती है ये जानना जरूरी है. पश्चिम मानसिकता जो होती है वो बनी है एक रिलीजियस आइडेंटिटी पे. उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चर्च ऑफ इंग्लैंड हेनरी द 8 के समय में, 1100-1200 के समय में. तब जब हेनरी द 8 ने चर्च ऑफ इंग्लैंड को 8 शादी करने के लिए कैथोलिक चर्च से तोड़ दिया था, अलग कर दिया था, तब से यह पश्चिमी मानसिकता शुरू हुई और ये दोनों के बीच में युद्ध भी शुरू हुआ, चर्च ऑफ इंग्लैंड वर्सेस कैथोलिक. कैथोलिक एक मानसिकता है रोमन्स की, जो कि जहां भी जाता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है. कोई ऐसे जानवर आपने देखा है जो जहां जाता है उसको अब्जॉर्ब करता रहता है, देखा होगा, वो उनका मानसिकता है. लेकिन जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो मानसिकता होती है वो होती है किसी भी तरह ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना
और उससे अपने ऑप्शंस को खुलवाना, ये उनका मानसिकता है। अमेरिका का कॉलोनाइजेशन भी इन्हीं लोगों ने किया। तो पश्चिम क्या है, अब आपको थोड़ा और भी ध्यान होगा कि ये लोग ही गए फिलीपींस में, यही लोग गए पैसिफिक में, यही लोग गए हर द्वीपों में, ताकि वो कैथोलिक के साथ कंपीट कर सके। ठीक है, जब कैथोलिक चर्च ने पेपल बुल पास किया तो चर्च ऑफ इंग्लैंड ने भी ऑल्टरनेट कॉलोनाइजेशन शुरू किया। इसीलिए आप देखते रहेंगे कि ब्रिटिश आर्मीज कैथोलिक कंट्रीज के विरुद्ध लड़ती रहती है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, समझ आया? वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, समझ आया? सारे चर्च ऑफ इंग्लैंड वाले लोग लड़ रहे हैं बाकी सबसे। ब्रेक्सिट हुआ, वापस यूके को अलग कर दिया यूरोप से, क्योंकि उनको मालूम है अगर वो मिलेंगे तो उनके जैसे हो जाएंगे, उनके जैसे नहीं होना चाहते, ये डिवाइड है। इसका फायदा बहुत लोग उठाते हैं, जैसे अगर इंग्लैंड कुछ देगा नहीं या अमेरिका कुछ देगा नहीं तो फ्रांस से ले लेंगे, वो नहीं देगा तो जर्मनी से ले लेंगे। और तीसरा चर्च बना रशियन ऑर्थोडॉक्सी, जो शमान पगान के रशिया के लोग, उनका मिक्सचर है वो, उसको भी प्योर नहीं माना जाता। सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा कौन करता है? वो करता है कैथोलिक चर्च, प्रोपेगेंडा में वो उस्ताद है। भारत में आप देखते हैं मदर टेरेसा को, मतलब किसी को भी उठा के सेंट बना देते हैं वो लोग, क्योंकि उनका काम है लोगों के पास पहुंचना पॉपुलर फिगर्स के द्वारा। मलयाली को बना देंगे आर्क बिशप, तो वो यूरोपीय चर्च है। पश्चिम चर्च ये नहीं करता, वेस्टर्न चर्च ये नहीं करता। वेस्टर्न चर्च जो होता है, इंग्लिश चर्च जो होता है, वो अपनी प्योरिटी मेंटेन करके रखता है। अब यहां से शुरू करते हैं नक्शे पे, क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा महाभारत का भी। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा भारत से। ये भारत का नक्शा है। अगर मैं भारत को असली तरीके से देखूं तो ये जो पश्चिम दिशा जो है ज्यादा दूर नहीं है इंग्लैंड, यहां पे इंग्लैंड भारत और अमेरिका के एकदम बीच में है, एकदम बीच में है, लिटरली इन द मिडल। अब ये नक्शे में आप देखेंगे हिमालय की चोटियां यहां तक जा रही हैं, जहां पर मेरा कर्सर है। यहां से समुद्र पर्यंत ऐसे देखा जाएगा उसको। अगर मैं इसका मैप बनाऊं तो इधर से अगर मैप खींचूं मैं, लाइन जो बार बार अपनी पुस्तकों में बता चुका हूं, ओरिजिनल एटलस आप जरूर पढ़िए उसको, लाइन बनाऊं मैं, ये जो लाइन है इसके पश्चिमी दिशा में आप देखिए। अगर आप लाइन में बना रहा हूं इधर से, यहां तक ये जो लाइन आई है इसके पश्चिम में आप देखिए, इसी के पैरेलल देखिए। इधर से पैरेलल ड्रॉ किया तो ये जो लाइन है, आप इसमें करता हूं इसको, ये जो लाइन है इसको मैं अगर इसके पश्चिमी दिशा में आप देखें, यहां से नीचे साउथ, ये सब भारतवर्ष है। और हिमालय की चोटी सिर्फ यहीं तक नहीं जाती है, ऑफिशियली लोग बोलते हैं यहां तक है, लेकिन जहां पर आप मेरा पीला कर्सर देख रहे हैं इधर से आप देखिए, तो ये पूरा बर्मा और ये सब क्रॉस करता है। ये हिमालय, ये भारतवर्ष है टोटल, ये पूरा भारतवर्ष है। और इसके ऊपर है किम पुरुष वर्ष,
हिमवंत भी हिमालय के रीजन को बोलते हैं हिमवंत, फिर हरिवर्ष, इलावर्त वर्ष, फिर ये राइट में है भरद्वाज, फिर लेफ्ट में केतुमाल, फिर उसके बाद है रम्यक वर्ष ऊपर, और नील पर्वत जो है वो सब ऊपर की तरफ आते हैं, ये भारतवर्ष। और भारतवर्ष के दक्षिणी में 7 द्वीप हैं, जिसमें से एक है सिंगल द्वीप जिसको श्रीलंका बोलते हैं। 1972 में नाम पड़ा है श्रीलंका, उसके पहले नहीं था, उसके पहले सिमल बुलाते थे, आज भी अपने आप को सिंगलीज बुलाते हैं, सिंगलीज, श्रीलंकीज नहीं बुलाते हैं, श्रीलंकन सो इंग्लिश में बुलाते हैं, बट एक्चुअली सिंगलीज, सिंगल द्वीप के निवासी हैं, सिंगली। आप लोकल श्रीलंका को पूछेंगे कौन है, सिंगली है, सिंगली, तो तब का पुराना नाम है। तो ये है भारतवर्ष, जिसका वेदों में, विष्णु पुराण में डायरेक्शन, उसका नाम, उसका वर्णित है। बहुत टुकड़े हो चुके हैं भारतवर्ष के, आपको मालूम ही है, नेपाल, नेपाल हो चुका है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक बच्चा छोटा सा इंडिया, भारत। 6 टुकड़े हो चुके हैं इसके, 7 टुकड़े हो चुके हैं, और भी थाईलैंड को भी अगर माने तो एक्सटेंशन है, क्योंकि पुरानी राजनीति होती थी मंडलों के रूप में, मंडल, मंडलों का एलिजेंस होता था भारत से, तो थाईलैंड का एलिजेंस था अयोध्या को, जो आजकल वापस बन गई, अयोध्या ही उसका कैपिटल था, क्योंकि वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे वो भगवान राम के नाम पर ही राज चलता था पहले, आज भी चलता है, सियाम, और पूर्व में जाएंगे तो चंपा तक आता है, अनेक नाम है देशों के, चंपा द्वीप, और जो साउथ चाइना सी है इसी को बोलते हैं मलाया सागर, क्योंकि ये जो सागर है बे ऑफ बंगाल जो बोलते हैं, ये अंग्रेजों ने नाम दिया है, इसका नाम है कपिल सागर, वो एक्चुअल नाम है कपिल सागर, और ये है मलय द्वीप, ये सारे मलय द्वीप हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया, अब ये जो आइलैंड्स है इंडोनेशिया और के सारे आइलैंड्स है, इनको कुश द्वीप भी बोला जाता है शास्त्रों में, कुश द्वीप, कुश के बाद आता है शालमली, ये पापुआ ने गिनिया तक, ये सारे कुश द्वीप है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, इंडोनेशिया छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और ये जो मलय सागर के जो आते हैं, जो प्रशांत महासागर है, वो बाद का नाम है, बहुत बाद का नाम है, लेकिन आजकल प्रशांत महासागर को हम बोलते हैं, पैसिफिक को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया प्रशांत में, बट या प्रशांत से पैसिफिक आया, क्योंकि बहुत बड़ा अथाह सागर है, लेकिन उसमें जो द्वीप है सारे, उन सभी को मलय द्वीप ही बोला जाता है, कुछ ज्यादा अलग नाम नहीं है, जैसे हवाई तो अमेरिका के पास में आ गया, वहां के लोगों को भी कनक बोला जाता है, कनक, वहां के लोग भी कनक है, सारे पैसिफिक आइलैंड्स के द्वीप जो कनक कनक है, लोग बोलते हैं कहां लोग रहते हैं, बट पूरे समुद्र में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां लोग ना रहते हो, छोटे छोटे द्वीपों में लोग आपको मिल जाएंगे शुरू से। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, ये भारतवर्ष, इसको भूलिएगा नहीं, आई थिंक ये भारतीय गवर्नमेंट को भी ध्यान रहना चाहिए कि किस भारत के बारे में बात हो रही है। आई थिंक भारत में एक ऐसे ही प्रधानमंत्री पहली बार हुए हैं जो मैं बहुत इंप्रेस हो जाता हूं, जबकि मैं इंडिपेंडेंट माइंडेड हूं और मैं कभी किसी से इंप्रेस नहीं होता अपने गुरु के अलावा और अपनी परंपरा के अलावा, लेकिन कभी वो ऐसी बातें करते हैं जो शास्त्रों के अनुसार होती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है देखकर कि उन्होंने बोला 1300 द्वीप। अभी उस पर अमल कितना होगा वो हमको देखना पड़ेगा, अमल कितना होगा, अमल कितना करना चाहिए वो देखना पड़ेगा। तो ना ही अपने आप को आप हिंदू बुलाइए, मतलब हिंदुत्व बिना बुलाइए, ना हिंदुइज्म बुलाइए, दोनों ही नेगेट करिए टर्म। वी आर हिंदू कल्चर, हम लोग हिंदू सभ्यता है, जो वेदों का पालन करे वो हिंदू, चैतन्य महाप्रभु के अनुसार। चैतन्य महाप्रभु ने 550 साल पहले बोला कि हिंदू वेदों के सबसे ज्यादा बड़े फॉलोअर्स है, ये चैतन्य महाप्रभु के शब्द, तो मेरे को नियरेस्ट रेफरेंस वही मिलता है, उनको हम कोट कर सकते हैं क्योंकि सारी परंपरा के लोग चैतन्य महाप्रभु को कोट करते हैं। यहां तक कि आप देखेंगे गोवर्धन पट, गोवर्धन मठ के जो पूज्य शंकराचार्य जी हैं, वो अपनी प्रार्थना में बोलते हैं बार, मैंने उनको सुना बार बार बोलते, त्रिनाद भी सुनी चेना तरोरी व सहिष्णुना, बोल रहे हैं अमानी नमानी न कीर्तिना सदा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के,
वो चैतन्य महाप्रभु ने कोट किया, क्योंकि जो सारे संत होते हैं वो दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, कोई भी एक दूसरे को काटता नहीं है। आप मीडिया की बातों में कभी मत जाइएगा, क्योंकि मीडिया वाले कुछ ना कुछ उछालते रहते हैं और हम लोग उसको लेते रहते हैं। आप तथ्य पे जाइए, उसकी पर्सनैलिटी पे जाइए, वापस ध्यान से स्टडी करिए ताकि आप मिसगाइड ना हो। तो यही काम है साइकोलॉजी का, गोइंग टू द ट्रूथ, साइंस ऑफ ट्रूथ और स्टडी ऑफ ट्रूथ, गीता के आधार पे, वेदों के आधार पे, क्योंकि वेद किसी के नहीं है, वेद भगवान के हैं, वेद सभी मनुष्य के हैं, लेकिन उनका सबसे ज्यादा पालन कौन करता है? हिंदू करते हैं। इसीलिए हिंदू स्पेशल हो जाते हैं, क्योंकि वो वेदों का पालन कर रहे हैं, इसीलिए उनको धार्मिक बोला जाता है। जो वेदों के अनुसार रहे वो धार्मिक, जो वेदों के विपरीत काम करे धार्मिक अधार्मिक, जो वेदों को माने धार्मिक, जो वेदों को ना माने अधार्मिक। अब मानने की बात बिलीफ की बात नहीं हुई, मानने की बात हुई पालन की बात, क्योंकि हम लोग बिलीफ शब्द के भी विरोध हैं, क्योंकि बिलीफ तो नॉलेज के विरुद्ध होता है। वेद का अर्थ होता है नॉलेज, अगर इंग्लिश में बोलेंगे वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद ज्ञान है, वेद सम्मत है या नहीं है। तो ये हुआ आपका पश्चिमी देशों का, ठीक है। अब आते हैं देशों के ऊपर, सबसे पहले हम घुसते हैं, सबसे बड़ी जो टेरिटरी है वो है, मैं स्लाइड शो से चलूंगा आपको, और मैं एक्चुअली मैं क्या चाहता हूं, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, ये तो चलिए इसको मैं थोड़ा क्रॉस करता हूं, ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी में आ गया, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी चलते हैं और स्टार्ट द स्लाइड शो, और टेबल ऑफ कंटेंट में मैं जाना चाहता हूं यूनाइटेड स्टेट्स पे, ठीक है। हम सबको कनाडा इसका इतिहास मालूम है, तो कनाडा तो आज भी मोनार्की है, और कनाडा जो है आज भी वो ब्रिटिश कॉलोनी है, आज भी है। तो कनाडा में और अमेरिका का इतिहास जुड़ा हुआ है बहुत, कनाडा को आजादी बहुत बाद में मिली, 1980s में हुई है, बहुत ही बाद में हुई है, उसके मोनार्की था ये शुरू से, मतलब जमीन कब्जा किया हुआ है चर्च ऑफ इंग्लैंड में। चर्च ऑफ इंग्लैंड ही पश्चिम मानसिकता है, चर्च ऑफ इंग्लैंड ने ही अमेरिका, कनाडा, बिलीज, अभी इनके सारी टेरिटरीज पे लेके चलता हूं। अमेरिका जो है उसके जो 80% फोर्स है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड से एफिलिएटेड है, और इनका इतिहास ऐसा है, अगर मैं आपको इनका मैं मैप बताऊं, एक विकिपीडिया पेज है व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, ये जो टर्म है ओल्ड अमेरिकन्स के लिए लिखी गई है, जो जिन्होंने ये काम, ये जो टर्म दिया है, हैकर करके एक है नॉर्मन कॉन्केस्ट, तो एंड्रयू हैकर करके हैं, जिन्होंने 1957 में ये टर्म बनाई, और डब्ल्यू जो पहले व्हाइट के लिए होता था तो उन्होंने व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कर दिया वेल्दी एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स। तो इनका जो मेन चर्च है वो है एपिस्कोपिलियन, एपिस्कोपल चर्च, और उसी का एक और अल्टरनेटिव होता है, वो होता है एपिस्कोपिलियन चर्च, और होता है दूसरा होता है लूथरन चर्च, जो जो जर्मन बैकग्राउंड का है, लेकिन उसको भी सैक्सन ही माना जाता है। तो एपिस्कोपल एक चर्च होता है और होता है प्रेस्बिटेरियन। तो एपिस्कोपल चर्च के ही 80% ये लोग फॉलोअर्स थे। वो लिखते हैं, एंड्रयू हैकर लिखते हैं, ओल्ड अमेरिकन्स हैव दीज अमेरिकन्स फॉर द मोस्ट पार्ट सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दे आर प्रोटेस्टेंट्स एंड डिसप्रोपोर्शनेटली एपिस्कोपेलियन, एपिस्कोपेलियन। तो ये लोग स्टेटसन कैनेडी लिखते हैं, उसमें लिखते हैं, वी फाइंड द वास्प्स व्हाइट एंग्लो प्रोटेस्टेंट्स गैंगिंग अप टू टेक देयर फ्रस्ट्रेशंस आउट ऑन व्हाटएवर माइनॉरिटी ग्रुप्स हैपेंस टू बी हैंडी, वेदर निग्रो, कैथोलिक, ज्यूइश, जापानीज और व्हाट नॉट। कॉम्पिटिशन चलता है, कैथोलिक्स अलग माने जाते हैं, ये लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलीजियस डिवाइड होता है, वो अलग रहते हैं। इनका मेन चर्च है ट्रिनिटी चर्च मैनहट्टन में,
इनफैक्ट वो चर्च को ही पूरा मैनहट्टन गिफ्ट दिया गया था अंग्रेजों ने जाते वक्त। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज जो थी, इनका जो गढ़ था वो था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इनका गढ़ था, जो कि अभी आजकल हम देखते हैं उसकी क्या हालत हो चुकी है। इसीलिए बोलते हैं अमेरिका इज लॉस्ट। जब वो नारा देते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब ये कि प्रोटेस्टेंट मानसिकता को वापस लेकर आना, जो कि एंग्लिकन रहता है, एंग्लिकन ओरिजिन है। इनके जो चर्च रहते हैं मोस्टली इसी को वेस्टर्न माइंडसेट बोलते हैं, बाकी तो कैथोलिक माइंडसेट है, वेस्टर्न माइंडसेट तो यही है मेन, इंग्लिश स्पीकिंग। उसमें प्रेस्बिटेरियन, यूनाइटेड मेथोडिस्ट, कांग्रीगेशनिस्ट एंड मेनलाइन प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशन। लेकिन सबसे बड़ा रहता है इनका एपिस्कोपेलियन, वही मान सकता है। तो मॉडर्न यूसेज में अभी भी वहां पर काफी लिबरल और फंडामेंटलिस्ट दोनों ही है। तो जितने भी अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं 72% वो इसी डिनोमिनेशन से आते हैं, जॉर्ज बुश भी उसी डिनोमिनेशन से है। तो ये लोग अपने आप को मानते हैं क्रिश्चियंस, ये लोग कैथोलिक नहीं मानते, कैथोलिक को क्रिश्चियन माना ही नहीं जाता, दोनों अलग, ये इनके बीच का बेसिक डिवाइड है। इसीलिए आप, मैंने आपको पहले बताया कि वेस्ट वर्ल्ड को आप किस तरह समझे, दोनों का मानसिकता और दोनों का टारगेट अलग है। ये जो एंग्लो प्रोटेस्टेंट होते हैं, एंग्लिकन प्रोटेस्टेंट होते हैं, इनका टारगेट होता है ट्रेड के ऊपर, और कैथोलिक का टारगेट होता है कन्वर्जन के ऊपर। ठीक है, एक आपसे ट्रेड डील्स चाहता है, बोलता है आप कुछ भी करो, आप बस ट्रेड दो मुझे। दूसरा जो है आपसे चाहता है आप सब कुछ दे दो, आपका कल्चर ही मिटा दो, मैं आपके कल्चर को म्यूजियम में डाल दूंगा, वो कैथोलिक होते हैं। वो जैसे उन्होंने किया अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में, जितने भी कैथोलिक कंट्रीज हैं उनमें उनका लोकल नेटिव इंडिजिनियस कल्चर जो है म्यूजियम में है। मेक्सिको इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, वहां के लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि सब कुछ उनका है, अंदर से पूरा खाली। फिलीपींस एग्जाम्पल है, उनका जो टगालग कल्चर है, मबुहाई कल्चर है, लोकल कल्चर जो है हिंदू है, फिलीपींस हिंदू कंट्री था 16वीं शताब्दी तक, वो अब म्यूजियम में है और वो अपने आप को कैथोलिक नाम से बुलाते हैं। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो अब म्यूजियम में जाने वाला है, और वो जो जहां भी कैथोलिक जाते हैं वहां सब गरीबी छा जाती है क्योंकि सारा पैसा पहुंच जाता है वेटिकन को। ब्रिटिश चर्च में क्या होता है, इंग्लिश चर्च में क्या होता है, उनको सिर्फ ट्रेड चाहिए, आप चाहे कुछ भी करो अंदर, आपको ट्रेड चाहिए, आपको गवर्नमेंट नहीं देंगे, आपको डिवाइड करेंगे, आपको ब्रेक करेंगे, और उनको ट्रेड चाहिए। जैसे उन्होंने भारत को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उनका कारण है अब वो आप सब डिवाइडेड हो गए, आप ट्रेड पे डिपेंडेंट हो जाएंगे उनसे, और फिर आप गेम खेलेंगे इंटेलिजेंस के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ताकि आप डिवाइड होते रहें और फिर आपकी ट्रेड को छीन लेंगे। तो आपको गरीब पूरी तरह नहीं बनाएंगे, आपको लगेगा कि आज भी आप हिंदू हैं, लेकिन आप डिसीजन स्वतंत्रता से नहीं ले सकते, भारत में हम देख चुके हैं। तो आपके लोगों को आपके ऊपर बिठा के फेवरेबल ट्रेड लेते रहेंगे और बाद में धीरे धीरे आपको खत्म कर देंगे। सब जी कैसे करते हैं, वो अमेरिका में भी यही किया, ट्रेड कर करके अमेरिका को चूसेंगे, कहीं और ढूंढेंगे, कोई और जगह ढूंढेंगे। ये है प्रोटेस्टेंट का आउटकम नेटिव्स के लिए। कैथोलिक्स का है कि वो आपको मंदिर के ऊपर चर्च बनाएंगे, मंदिर को तोड़ देंगे, उसकी मूर्ति को चढ़, जैसे मैक्सिको में किया, तो रात्सन को तोड़ के उन्होंने लीडियो ग्वाडालूपे बना दिया मैक्सिको सिटी में, है ना, तेनोच्टिट्लान की आइडेंटिटी खराब कर दी। वो सब काम करते हैं, वो उनका अलग है, थोड़ा वायलेंट ज्यादा रहेंगे। तो पश्चिम मानसिकता फिर क्या हुई, ये दोनों ही भागों में पश्चिम मानसिकता डिवाइडेड है, आपको दोनों को समझना पड़ेगा ताकि आप इनसे ट्रेड कर सकें, इनसे बराबरी से बात कर सकें, इनके इतिहास को समझ के बात कर सकें। ये समझने की बात है, किसी से हेट नहीं है, ये समझने की बात है, किसी से चिढ़ नहीं रहे हम लोग, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थ्रू द इतिहास। अब चलते हैं मैप्स की ओर।
मैंने आपको यूएस कैनेडा तो दिखा दिया, अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट में वन बाय वन चलता आपके साथ। सबसे पहले हम देखते हैं अंगीला में। अंगीला में नेवल पोस्ट बनी हुई है ट्रेड के लिए, और यहाँ के आइलैंड से वो लोग सब चुरा, सब नेवल बेसेस हैं, सबके सब नेवल बेसेस हैं। ये सब पश्चिम है, पश्चिम जो है सिर्फ दिशा नहीं है, पश्चिम पूरा विश्व है इनके इन्फ्लुएंस में देखा जाए तो। तो जो बोला जाता था कि सूर्य तो ब्रिटिश समाज में अस्त नहीं होता, आज भी अस्त नहीं होता, मैं दिखाता हूं आपको कैसे। ये पश्चिम है, ये आप एशिया में, ये आप साउथ अमेरिका में चल रहा है, देखिए कहां पे द्वीप है, ये समुद्र के बीचों बीच नॉर्थ साउथ अमेरिका के बाजू में द्वीप है ये। कहां कहां टेरिटरीज है, अभी मेक्सिको के साउथ में जाइए बिलीज में, ये रहा बिलीज, दिखा आपको बिलीज, ये छोटा सा मेरा कर्सर है यहां पे बिलीज, ये बिलीज ब्रिटिश टेरिटरी है और ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके बाजू में सारे द्वीप हैं जो ब्रिटिश आइलैंड्स हैं। और ये मेक्सिको के एकदम साउथ में है, क्योंकि मेक्सिको को स्पेनिश चर्च ने, कैथोलिक ने किया, इंग्लिश चर्च ने, कैथोलिक चर्च ने, वास्प एंग्लो सैक्सन बहुत डरते हैं, स्पेनिश लोग पुर्तगीज लोग ब्रिटिश से बहुत डरते हैं, उनको बारे में लड़ने आ जाएंगे, जैसे आप देखते हैं ना फुटबॉल फैंस का लड़ाई चलता है, ऐसे इनका भी चलता है। जादू नहीं है, हवाना, मायमी, बिलीज, मैं सब जगह ट्रैवल करूंगा, आप लोग सपोर्ट करिएगा, और सिर्फ मेरा ट्रैवल थोड़ा मीनिंगफुल रहता है, मैं जगह देखने के लिए नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे मेरी वो आज तक भी इच्छा नहीं रही है। मैं जाता हूँ सनातन धर्म के जोड़ से ही जाता हूँ, जहां पे रामायण महाभारत लेकर जाएगा वहीं जाऊंगा, अपनी बुक्स के हिसाब से ट्रैवल करूंगा। ओरिजिनल एटलस, अभी मैजिकल एटलस भी आ रही है, उसमें मेरा बहुत रिसर्च चल रहा है, यू लव इट, बेटर देन द ओरिजिनल एटलस, लेकिन डिफरेंट कंटेंट। सो ओरिजिनल एटलस विल बी यूनिक, मैजिकल एटलस विल बी एडिशन, उसमें कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसी परमात्मा की प्रेरणा उस तरह से। बेलीज जो है एकदम मेक्सिको के साउथ में, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये सारे द्वीप हैं, जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सारा मिलिट्री फॉर्मेशन देखिए, क्योंकि एंग्लो सैक्सन जो है वो वॉर के हिसाब से काम कर रहा है, कैथोलिक भी वॉर कर रहा है लेकिन दूसरी तरीके से, गिड़गिड़ाते हुए जाता है, लेकिन वायलेंस सबसे ज्यादा कैथोलिक्स में होती है, सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं कम होती है उधर, तो अगर इधर 100% है, वहां 98 है, सिर्फ 2% ही कम है, बट दोनों जगह वायलेंस होती है बहुत भयंकर। लेकिन कैथोलिक जहां जाता है वहां वो सब कुछ खत्म कर देता है, पूरा नोच डालता है, पूरा अंदर से सख्त कर लेता है, लाइफ निकाल देगा नेटिव कल्चर की, जो वहां का मूल सनातन धर्म, मूल मतलब सनातन धर्म। और जो ये जाएगा वो पोर्ट्स कंट्रोल करेगा, हर जगह पोर्ट्स, उसको पोर्ट्स चाहिए, तो जिससे आप अमेरिका को देखेंगे नक्शे को, पोर्ट्स पोर्ट्स पोर्ट्स, उसको पोर्ट्स चाहिए, इंग्लैंड से कनेक्टिविटी चाहिए उसको, इसलिए बाद में पश्चिम में गया, क्योंकि इंग्लैंड से दूर चला गया है ना, तो उसने नॉर्दर्न एरियाज को कैप्चर किया। चलिए यहां से शुरू वापस चलते हैं इधर अगीला में, फिर अगला हम चलते हैं, इनका एक आइलैंड है इधर ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, ये मैनेजमेंट करता है पूरा चर्चेस का, ये मोनार्की है, ये जो है किंग ऑफ इंग्लैंड को सर्व करता है, चार्ल्स को। और फिर इनका जो तीसरा जो है एक द्वीप इन्होंने यहां पे बनाया हुआ है, पोथेरा पॉइंट एंटार्क्टिका, इसका लोकेशन आप देखिए, इसका लोकेशन जो है आपको एग्जैक्टली वहां दिखाई देगा, जहां से आप इजीली इसके जो लैंड मास को कंट्रोल कर सकते हैं साउथ अमेरिका के पास में ही है। तो यहां पे तीन आपको दिख रहे हैं, फॉकलैंड आइलैंड दिख रहा है ऊपर, साउथ जॉर्ज, ये साउथ अमेरिका की बात हो रही है, सब भारतीय पैसे बना है, भारतीय पैसे के लूट पे बना है, कोई इनका खुद का नहीं है, ये इंग्लैंड का पैसा नहीं लगाते कहीं पर, ये उधर का पैसा इधर, इधर से पैसा इधर, इधर इन्वेस्ट करते रहते हैं, इलिटिस्ट माइंडसेट है,
जब इंग्लैंड पूरी दुनिया में ऐसे लूट रहा था, तब उसके एलीट्स को मदद हो रही थी, सामान्य लोगों को कुछ पता ही नहीं था। सामान्य लोगों को बताया गया था कि हम लोगों की मदद करने जा रहे हैं, तो आम जो इंग्लिश है उसको पता ही नहीं था कि क्या कर रही है उसकी गवर्नमेंट। और बट चर्च ऑफ इंग्लैंड को सब पता था कि पैसा उसको आ रहा है, और पूरा जो मोनार्की है चर्च ऑफ इंग्लैंड को सेवा कर रहा है। काश भारत में ऐसा होता कि भारत की पार्लियामेंट और भारत की गवर्नमेंट, अब तो शायद दिखता है हम लोगों को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जगह जगह जाते हैं, लेकिन काश ऐसा होता कि हम सब कुछ मनुस्मृति के अनुसार करते, नारद स्मृति के अनुसार करते और पूरी दुनिया में शांति फैलाते। हमारी सेनाएं हर कोने में जाती, जैसे साउथ अमेरिका हमारे द्वीप पुष्कर द्वीप है, भारतीय सेनाएं वहां पर रहनी चाहिए। मैं पहला ऑथर हूं ये बोल रहा हूं। इन सब जगहों पर ट्रेड करके, एग्रीमेंट्स करके भारतीय सेनाओं को ये सारे पॉइंट्स में लेकर आए। भारत और इंग्लैंड का एग्रीमेंट हो, उनके सारी टेरिटरीज में भारतीय सेना बैठे जाके, इजी एंट्री ना, इजी एंट्री है। और वहां पे सनातन धर्म का पाठ हो, हर जगह जाके एक ही नारा लगे जय श्री राम, हर जगह राम के मंदिर स्थापित हो, सुग्रीव के और राम के मंदिर स्थापित हो, सुग्रीव और राम की मैत्रता के मंदिर स्थापित हो, मित्रता थी उनकी तो उसी के मंदिर स्थापित हो, क्योंकि ये सब जगह वहां पे वाल्मीकि रामायण में है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। भारत ने आजाद होते समय ही इसको मांग लेना चाहिए था। यही लंका है, ये जगह है, ये लंका है। और यहां पे अगर आप देखेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे, हर जगह पे नेवल बेसिस है। आप हर जगह ड्रिल डाउन करेंगे, आपको नेवी के बेसिस दिखाई देंगे हर जगह, है ना। ये एक इनका एगमोंट आइलैंड्स है, एगमोंट आइलैंड्स में आपको जगह जगह आपको नेवल बेसिस दिखेंगे। अगर आप जूम करेंगे तो आपको दिखेंगे नेवल बेसिस यहाँ पे। वहां पे रनवेज भी हैं और वहां पे अलग पॉइंट्स भी हैं, तो आप जाके देख सकते हैं कि हाउ द टेरिटरी इज मैनेज्ड। ये देखिए रनवे दिख रहा है आपको, डिएगो गार्सिया रनवे। प्लेन्स आपको नहीं दिखाई देंगे लेकिन रनवे दिखाई देंगे, क्योंकि ये डिजिटली वो लोग क्लीन कर देते हैं डेटा को, बिकॉज इट कैन बी सेंसिटिव फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। बट यू कैन सी द रनवे जहां से इजीली फाइटर प्लेन्स उड़ सकते हैं और जा सकते हैं। हर टेरिटरी में ऐसा है। तो ये समुद्र के बीचों बीच जो टेरिटरी है, माले अदो सिटी मालदीव्स के पास में, और ये पूरा क्षेत्र ये लंका के ही द्वीप है। एग्जैक्टली लंका के द्वीप है सारे, क्योंकि लंका पहाड़ों की चोटियों पे थी, समुद्र के टापों के ऊपर बनी, ये सारे लंका के द्वीप है। लंका द्वीप जो अभी आजकल बोलते हैं, मेरे हिसाब से वो लंका के ऊपर ही नाम आया है, लंका द्वीप, लक्षद्वीप, लंका द्वीप, ऐसा कुछ नाम हुआ, बाद में चेंज हुआ थोड़ा, मुझे उस टर्मिनोलॉजी में पूरा माइंड मालूम नहीं है, उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट पे, ये इंडियन ओशन हो गया, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स एक और, उसके बाजू में यूएस वर्जिन आइलैंड, दोनों एक ही के हैं, क्योंकि अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी लोग थे सारे ब्रिटिश ओरिजिन के थे, वो अपने आप को ब्रिटिश ही मानते थे, चर्च से कनेक्टेड थे। बाद में चर्च ऑफ इंग्लैंड से जो है एपिस्कोपो, वेरी डिफिकल्ट नाम, एपिस्कोपल चर्च ने उसको चर्च ऑफ इंग्लैंड से डिस्कनेक्ट किया। लेकिन जब वो बोलते हैं, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इवन दो इट इज न्यूट्रल टू ऑल अदर रिलीजन्स एंड फेथ, बट उसको प्राइमरली बोलते हैं जूडियो क्रिश्चियन, जूडियो क्रिश्चियन नहीं है, टोटल चर्च ऑफ इंग्लैंड बेस्ड है, एपिस्कोपेलियन वही चर्च है उनका, और जूडियो क्रिश्चियन नहीं है क्योंकि वो डेइस्ट्स थे, वो अपने आप को चर्च के लोग नहीं मानते थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट रिलीजियस
पॉइंट पर मानते थे, क्योंकि उस समय चर्च ऑफ इंग्लैंड से एसोसिएट करना एक शर्म की बात होती थी। आप इंडिपेंडेंस ले रहे हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड से और मैं आपको बोल रहे हैं हम चर्च ऑफ इंग्लैंड को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता उस प्रकार की थी। तो डेइस्ट से डेइस्ट मतलब स्पिरिचुअल मानते थे अपने आप को कि एक देवता है, भगवान है, लेकिन हम चर्च से कनेक्टेड नहीं है ऐसा मानते थे। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस जो है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में प्रोटेस्टेंसी यहाँ के ज्यादा पावरफुल रहे, इसीलिए टर्म बना व्हाइट एंग्लो सैक्सन मेल और वेल्दी एंग्लो सैक्सन मेल प्रोटेस्टेंट, क्योंकि वही सब पूरा कंट्रोल करते हैं, इलिटिस्ट रहते हैं काफी। उसमें एक नाम आता है बॉस्टन ब्राह्मण का, बॉस्टन ब्राह्मण एक ग्रुप है जो अपने आपको मानता है कि वो इलिटिस्ट है, अमेरिका का ओरिजिनल है, ओल्ड मनी उसके पास है। तो बॉस्टन इलिट और बॉस्टन ब्राह्मण, अगेन ब्रिटिश माइंडसेट, क्योंकि ब्रिटिश को भारत की आजादी में भारत कैसे बचा अगर हमारे ब्राह्मण नहीं होते तो नहीं बचता। हमारे ब्राह्मणों ने यह प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश लोग जो है ये गाय का मांस खाते हैं, इसलिए ये छूने योग्य नहीं है, गंदे हैं। तो हम ब्राह्मण तो बहुत गरीब होता है, तो ब्रिटिश ने उसको इंटरप्रेट किया ब्राह्मण जो है अपर कास्ट, अपर लेवल है, जबकि कास्ट भारत का वर्ड ही नहीं है, भारत का वर्ड है वर्ण। तो बॉस्टन ब्राह्मण जो नाम पड़ा है ये एक्चुअल नाम है, आपको दिखाऊंगा एक्चुअल नाम है, वो सर्च करिए बॉस्टन ब्राह्मण, इलिटिस्ट ग्रुप है, मतलब एक क्लासिफिकेशन है इसको यूज किया जाता था बॉस्टन ब्राह्मण्स, जो कि व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स है, जो अपने आप को पूरे अमेरिका का क्रिएटर मानते हैं, यूएसए का, मतलब यूएसए का, अमेरिका का नहीं, यूएसए का। अमेरिका तो नेटिव अमेरिकन की टेरिटरी है, तो ये ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स है। फिर मैं इसको खत्म करके आपको बॉस्टन ब्राह्मण्स के बारे में बताता हूं। केमैन आइलैंड्स, सारे फ्रॉड की जड़ यही है, ब्रिटिश पूरे फ्रॉड, एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, यही पश्चिम मान सकता है, पैसा और कुछ नहीं है इनका, वॉर्स भी पैसे के लिए, सब कुछ पैसे के लिए, पूरी दुनिया परेशान है, ये भारत को कभी घुसने ही नहीं देंगे यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक कि भारत इनके साथ कोई मिलिट्री एग्रीमेंट ना करे, घुसने नहीं देंगे, ऐसा होगा। फॉकलैंड आइलैंड्स, ये अर्जेंटीना के विरुद्ध, अर्जेंटीना के विरुद्ध नहीं है, इसको समझिए दूसरे तरीके से, कैथोलिक के विरुद्ध है, कैथोलिक चर्च, लड़ाई तो कैथोलिक चर्च एंड चर्च ऑफ इंग्लैंड की चल रही है। अब वापस हम चलते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड और फिर हम चले जिब्राल्टर। अब मुझे बताइए कि इटली के एकदम, स्पेन के एकदम साउथ में ये ब्रिटिश टेरिटरी क्या कर रही है, देख रहे हैं आप, क्योंकि यहां पे चाहिए उनको लोग, कंट्रोल करना है इनको, पूरा कंट्रोल करके रखते हैं स्पेन को और पुर्तगाल को, क्योंकि वहां पे इनको बेस चाहिए, अगर लड़ना पड़ा तो वहां से लड़ेंगे। तो यूरो फ्री नहीं है, पकड़ के रखा है इन लोगों ने, तुम वैसे फैलो तो हम ऐसे फैलेंगे, हम आपको कुछ परमिशन देंगे, उसके बाद अगर हमारा इंटरेस्ट चेंज होगा हम पूरा मेंटेन करेंगे, लड़ाई तो इनकी खुद की आपस की है। फिर अगला देखिए, वापस वहीं पे एक और आइलैंड है मोंतेसरात, इस पे भी मिलिट्री बेस है, एक दो शिप्स खड़े रहेंगे वहां पे ताकि वो और भी वहां पे मल्टीपल आइलैंड्स पे अपने भाग जमा के रखें, चोक पॉइंट्स हैं सारे साउथ वेस्ट नॉर्थ, और इस आइलैंड पे तो समुद्र के बीचों बीच एक बेस बना के रखा है इन्होंने, पितकरिन आइलैंड्स। लोगों को लगेगा ये कहां से आ गया भाई, ये द्वीप कहां पे काम कर रहा है, ये कैसे इधर, इसका क्या पर्पस है, ये सारा वाइट आउट क्लीन किया हुआ है बिकॉज दे डोंट वांट टू शो ऑफ, ये आइलैंड ब्रिटिश आइलैंड्स है, यहां पे इनके सेंसिंग स्टेशंस होंगे जो सैटेलाइट से कनेक्टेड है, बीचों बीच समुद्र के, और उसके बाजू में आप एडम्स टाउन भी आप देख रहे हैं, वहां पे एक छोटा सा आइलैंड है, दिख रहा है आपको एडम्स टाउन,
यहां पर भी लोग रहते हैं, ऐसा मत सोचिए। दिख रहा है आपको पूरा वेस्टर्न पॉइंट स्कूल है वहां पे, उसके दूसरी तरफ भी लोग रहते। सो दिस इज द पॉइंट। फिर अब चलते हैं दूसरे आइलैंड पे, ये पश्चिम मान सकता है। आप पश्चिम सिर्फ दिशा नहीं है, मैं इसलिए बार बार बोलता हूं आपको, ये इनका सेंट हेलेना अफ्रीका अटलांटा के बीच में, अटलांटिक ओशन में। फिर अगला इनका आइलैंड है साउथ जॉर्जिया सैंडविच आइलैंड्स, ये जो है वहां पे एक और उन्होंने द्वीप बनाया हुआ है उसके साइड में फॉकलैंड्स के पास में। चेकमेट है, एवरी कॉन्टिनेंट को चेकमेट है। इज़राइल में अक्रोतरी और धकेलिया, ये ब्रिटिश टेरिटरी है। कहां पर है ये? तो आपने पिछला वाला फॉकलैंड की तरफ देखा, ये साइप्रस में है, ब्रिटिश गवर्नमेंट टेरिटरी, ये कोई साधारण नहीं है। ये इज़राइल को देख रही है उस तरफ से, लेबनान को देख रही है, एक जिब्राल्टर है, एक ये टेरिटरी है। आप देखते हैं ना प्लेन्स उड़ रहे हैं साइप्रस से, उड़े यहां से उड़े ये सारे प्लेन्स, जहां पे एयरपोर्ट है, खुद का एयरपोर्ट है वहां पे, और एग्रीमेंट करके उन्होंने साइप्रस का फील्ड्स भी यूज करते हैं। आप देख रहे हैं एयरपोर्ट, अभी जरूरत नहीं है लेकिन एयरपोर्ट से। इट्स कॉल्ड आरएएफ अक्रोतरी फ्लाइंग क्लब। यहाँ पे कुछ आपको मिलिट्री प्लेन दिख रहे हैं, इधर जैसे दिख रहे हैं ये सब जो है बड़ा सा है, C-17 या कुछ है, तो ये सब ब्रिटिश और अमेरिकन शेयर करते हैं, बट मिलिट्री बेस है ये, यही पश्चिम में मान सकता है, समझे आप। इसको भारतीय स्ट्रेटेजिस्ट ध्यान से कभी देखते नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पुराणों से, हम तो रामायण महाभारत की जगह ढूंढ रहे हैं, तो ये सब चीजें दिख जाती हैं। ये मुझे बताना जरूरी था कि पश्चिम दिशा नहीं है, पश्चिम एक मानसिकता है। मानसिकता किसकी है? सैन्य अभियान की और ट्रेड रूट्स को खोलने की, ट्रेड करने की, ताकि इंग्लैंड और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड रिच रहे, यही है एक्चुअली। और कैथोलिक मानसिकता को पश्चिम मानसिकता नहीं मानते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो जो मानसिकता है वो एक कॉलोनी की, वो मानसिकता है पूरे देश को चूसने की मानसिकता है, वो रिलीजियस मानसिकता है। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा बेस ही है इनका पश्चिम, ऑस्ट्रेलिया तो भारत के पूर्व में आया, तो इसको पश्चिम कैसे बोलेंगे? क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च के अंडर है, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, एपिस्कोपेलियन, पर लूथरन नहीं है, न्यू एडवेंटिस्ट, न्यू मेथोडिस्ट है ना, उनके अंडर है, और न्यूजीलैंड, और एक और टेरिटरी इनका जो इंडिपेंडेंट बना दिया इन्होंने वो है पापुआ न्यू गिनी, ये भी ब्रिटिश टेरिटरी है पूरा। कुक आइलैंड्स, इसे ब्रिटिश टेरिटरी है, फिजी को इंडिपेंडेंस दे दिया, इंडिपेंडेंस तो कहीं किसी को दिया नहीं है, वो जस्ट ऐसे रखा है, बट खुद का टेरिटरी जितनी सारी है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा यूके के साथ ही खड़ा रहेगा, इंडिजिनियस के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो एंग्लो सैक्सन है। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड का पैक किया है, तो इंग्लैंड को कोई चाहिए नहीं आपसे, आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात ही मत छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के साथ है ना आपका, तो इंग्लैंड को नहीं चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच FTA है, तो दे कैन एक्सपोर्ट एवरीथिंग थ्रू ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, ओके, उसमें नाम पड़ेगा मेड इन ऑस्ट्रेलिया, दे डोंट नीड, वो कैरेट नहीं है उनके पास, उनको जरूरत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA है, अमेरिकन कंपनीज वहां से आएंगी थ्रू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ आएंगी, न्यूजीलैंड भी ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएगा। तो जो इनका अपेरेंट डिफरेंसेस है उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, यू लुक एट द कोर। और
मैं एक्चुअली आपको इतने सारे मैप दिखा रहा था, लेकिन स्क्रीन पे तो कुछ और ही रह गया। आई वाज फॉरगॉट अबाउट टू शो यू, है ना? तो ये जो मैं आपको दिखा रहा था मैप, मैं वापस चलता हूँ। मैं आपको दिखा रहा था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद आपका न्यूजीलैंड, है ना? ये दिखा, ये भी एंग्लो सैक्सन है। इसको फ्री ट्रेड में कोई जरूरत नहीं है किसी को भी। फिर देखिए बीच में समुद्र के, ये है आपका कनाडा, तो इंग्लैंड तो आपने देख ही लिया क्यों, सब ब्रिटिश कॉलोनीज हैं। और ये जो आपका टेरिटरीज आप देखिए, टर्क्स एंड कोकोस आइलैंड्स, फिर आपका ये आइलैंड्स, ये आर्कोत्रोरी दकोलिया, दकेलिया तो मैं बता रहा था। यहीं से आप देखेंगे कि जो बता रहा था आपको जिब्राल्टर, और जिब्राल्टर ये है इनका कोने में, आप देखिए इसको, चोक पॉइंट्स, ये भी मिलिट्री बेस, वो भी मिलिट्री बेस, ब्रिटिश टेरिटरी। यहीं से प्लेन छोड़ते हैं मिडिल ईस्ट में अटैक करने के लिए। यहां से डिस्टेंस आप किसी का भी देखेंगे बहुत ही कम है ना? एंड इफ यू गो बैक, ये अलग टेरिटरी है समुद्र के बीच में। फिर इसके बाद इनकी दूसरी टेरिटरी है जो कि पिटकरीन आइलैंड, सेंट हेलेना, एकदम समुद्र के बीचों बीच, ये रहा इनकी टेरिटरी, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। ब्राजील के बीच में, ब्राजील और अफ्रीका के बीच में। फिर आप देखिए ये टेरिटरी है पिटकरीन आइलैंड्स, जो बता रहा था, एकदम समुद्र के बीचों बीच, पैसिफिक आइलैंड के बीचों बीच। लोग बोलते हैं यहाँ पे लोग कैसे जाते हैं? अब ये लोग जा सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, मोंतसर आती रहा। फिर इनका तो कहाँ कहाँ पे आप देखिए, जिब्राल्टर मैं आपको बता रहा था, उसका पोजीशन देखिए किस तरह स्पेन को उन्होंने चेकमेट किया हुआ है, जिससे चेकमेट किया हुआ है इसको, तो कोई चांस ही नहीं है किसी का भी। ये सब मिलिट्री बेसिस है। फॉकलैंड आइलैंड्स आपने देख ही लिया पहले भी, और ये इनका केमैन आइलैंड्स है जहां से सारा बैंक का फ्रॉड चलता है, बैंक्स चलती है यहाँ पे, भारत के कितने सारे लोग वहां पे हैं। सो ऑल दीज आर प्लेसेस। सो मैं क्या बोल रहा हूं कि पश्चिम एक मानसिकता है, पश्चिम दिशा नहीं है जियोपॉलिटिक्स में, और भारतीय गवर्नमेंट को इस मानसिकता के पे लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए सनातन धर्म की आवश्यकता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड एंड आई मिस सर्टेन पार्ट्स, स्क्रीन में कुछ गलत दिखा रहा था, बट आई होप यू स्टिल एंजॉय द वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, और हमसे कनेक्ट रहिए पैथोलॉजी से। हमारा काम है सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई करना। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।